देखिए, जो दिवाली का सर्टेनली त्योहार को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चाक। देखिए, जो दिवाली का सर्टेनली त्योहार को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चाक पाबंद जो है वो अपने पूरी की पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली जो हमारे अधिकारी हैं वो स्वयं भी गश्त पर निकल रहे हैं। जो ट्रैफिक का डायवर्जन है वो पहले प्रेस नोट्स जारी करके आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया गया और जिसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, जिसमें जो अंदरूनी बाजार है उसमें 4 व्हीलर्स को एंटर करने की अभी हमने उनको डाइवर्ट किया है और 2 व्हीलर्स वगैरह को लिमिटेड मात्रा में अलाउ किया गया है। और आगे आने वाले अब त्योहारों के हिसाब से 3-4 दिन तक जगह जगह पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और इसके अलावा गश्त जो है वो भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी भली भली भांति प्रकार से मनाया जा सके और संपूर्ण हो सके। मैं कितनी एक्स्ट्रा कंपनियां लग रही हैं कि अप्रूव जॉब का अतिरिक्त लग रहा है क्या, जैसे पेट्रोलिंग करते हैं, गेस्ट हाउस प्रोग्राम की जांच करते हैं, चेक पॉइंट जो जी हमें करते हैं, बिल्कुल अंदर वाले चेक पॉइंट के संदिग्धों की जांच करते हैं मैम, क्योंकि जो हालात अभी देश में चल रहे हैं वो आपकी जानकारी में हो रहे हैं। देखिए, जितने जाब्ते की आवश्यकता है अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया, हमें PHQ की तरफ से अतिरिक्त जाब्ता भी उपलब्ध कराया गया है त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। और उसके अलावा हमारे ऑफिस का जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, वो सारा जाब्ता भी अभी फील्ड में रहकर त्योहारों की व्यवस्था के अंदर अपनी ड्यूटी निभाएगा। केगड़ी जिले के अंदर देखिए, आने वाला पर्व दीपोत्सव का पर्व है और हिंदुस्तान में बहुत हर्षोल्लास के साथ में सनातन के इस पर्व को मनाने की परंपरा है। श्री राम जी 14 वर्षों के वनवास के बाद में जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपकों से उनका स्वागत किया था। इतने वर्षों की लड़ाई के बाद अब पहली बार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ है, तो भव्य दीपावली पूरे देश भर में मनाई जा रही है। मैं दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली से पूर्व में हमारे यहाँ धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है और दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व भी मनाते हैं। इन सभी पर्वों की मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे सावधानी से आतिशबाजी करें, फटाके चलाएं, क्योंकि कई बार जलने की घटनाएं इससे हो जाती हैं तो हमारा पर्व थोड़ा खट्टा हो जाता है, इसलिए पर्व मनाएं लेकिन बहुत सावधानी से। मेरी ओर से बच्चों को, बड़ों को, सभी को, प्रदेश के सभी नागरिकों को दीपोत्सव की बहुत ढेर सारी सी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।